नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2024 के रिवीजन की तीसरी क्लास पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, इस रिवीजन क्लास में सभी प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। जितने भी दोस्तों प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं 2024 के करंट अफेयर्स के, तो वह सभी दोस्तों हम इस रिवीजन क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपने पहली दो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। उन दो क्लासों के माध्यम से हमने दोस्तों 40 प्रश्नों को कवर कर लिया है। आज दोस्तों हमारी ये क्लास 41वें प्रश्न से स्टार्ट होने जा रही है। तो चलिएगा, शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला प्रश्न रहेगा कि 300 अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, वंदना कटारिया। वंदना कटारिया यह दोस्तों 300 अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। और वंदना कटारिया यह दोस्तों उत्तराखंड में हरिद्वार जिले के रुड़की शहर की रहने वाली हैं, जिन्हें दोस्तों हैट्रिक गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इन्हें हैट्रिक गर्ल के नाम से जो जाना गया, तो वह टोक्यो ओलंपिक 2021 से जाना गया है। इन्होंने दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2021 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 गोल दागे थे, इसी कारण दोस्तों इन्हें हम हैट्रिक गर्ल के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा कि वंदना कटारिया यह दोस्तों आपके हरिद्वार की रहने वाली हैं। ठीक है, और 2022 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म श्री और अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजा है। तो याद रखिएगा कि वंदना कटारिया को अर्जुन पुरस्कार कब दिया गया, तो दोस्तों 2022 में दिया गया, और 2022 में ही दोस्तों इन्हें पद्म श्री पुरस्कार भी दिया गया था। तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पौड़ी जिले के कोटद्वार की समृद्धि थपलियाल ने 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में कौन सा पदक जीता है। तो समृद्धि थपलियाल ने दोस्तों 37वें राष्ट्रीय खेल जो कि गोवा में आयोजित किए गए थे, तो इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो आप इनका निवास स्थान भी याद रखिएगा कि यह पौड़ी जिले के कोटद्वार की रहने वाली हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में भारत के हंगर प्रोजेक्ट को निम्न में से किस देश का समर्थन प्राप्त हुआ है। तो ये प्राप्त हुआ है दोस्तों नॉर्वे देश का। दोस्तों उत्तराखंड ने हंगर प्रोजेक्ट को शुरू किया था, ठीक है, और इस प्रोजेक्ट को नॉर्वे देश ने समर्थन दिया है। ठीक है, एक बार दोस्तों हम इसे डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों उत्तराखंड में भारत के हंगर प्रोजेक्ट को समर्थन देने के लिए नॉर्वे ने एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। भारत सरकार हंगर प्रोजेक्ट देश में भुखमरी की समस्या को समाप्त करने के लिए लाया है। ठीक है, तो इसी कारण दोस्तों इसे उत्तराखंड में भी शुरू किया गया, और उत्तराखंड में जब शुरू किया गया तो इसे दोस्तों नॉर्वे देश ने अपना समर्थन दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा उत्तराखंड महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो ये किया गया है दोस्तों लखनऊ में। लखनऊ में दोस्तों आपका उत्तराखंड महोत्सव का उद्घाटन किया गया, और किसने किया, तो दोस्तों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के किन पुलिस अधिकारियों को गृह मंत्रालय ने हाल ही में स्पेशल ऑपरेशन मेडल से सम्मानित किया है। तो ये क्या है दोस्तों आपका इंस्पेक्टर अब्दुल कलाम, दरोगा उमेश कुमार, और दरोगा दोस्तों नरोत्तम। तो इन तीनों को दोस्तों गृह मंत्रालय के द्वारा स्पेशल ऑपरेशन मेडल से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और पूरे देश में दोस्तों गृह मंत्रालय के द्वारा 194 पुलिस अधिकारियों को स्पेशल ऑपरेशन मेडल से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और इन 194 में से उत्तराखंड के 3 पुलिस अधिकारी शामिल हैं। और दोस्तों इस राजा जी टाइगर रिजर्व को टाइगर रिजर्व जो घोषित किया गया था, तो वह 2010 में घोषित किया गया था, और यह है उत्तराखंड का दूसरा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री संपदा मत्स्य संपदा योजना को मंजूरी दी। तो मुख्यमंत्री
मत्स्य संपदा योजना को जो मंजूरी दी तो वह अपने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने दी है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में उत्तराखंड के मत्स्य पालन पशुपालन मंत्री कौन है। तो दोस्तों सौरभ बहुगुणा वर्तमान में उत्तराखंड के मत्स्य और पशुपालन मंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, इसका उद्देश्य है कि राज्य सरकार द्वारा मत्स्य पालन को बढ़ावा देना। इसके अंतर्गत मत्स्य पालकों के लिए तालाब रेसवेज आदि के निर्माण हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, और इसमें दोस्तों जो ऋण दिया जाएगा 5%, तो 5% में से दोस्तों 3% राज्य सरकार और 2% दोस्तों केंद्र सरकार अनुदान देगी। ठीक है, तो यह आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि पौड़ी गढ़वाल के अंकित कुमार ने 37वें राष्ट्रीय खेल में 10 किलोमीटर रेस में कौन सा पदक जीता है। तो इन्होंने दोस्तों स्वर्ण पदक जीता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। ये दोस्तों पौड़ी गढ़वाल के पेठाणी के रहने वाले हैं, जिन्होंने दोस्तों लंबी रेस में स्वर्ण पदक जीता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और बताना है कि पिथौरागढ़ निवासी ब्रजेश टमटा ने कजाकिस्तान में आयोजित जूनियर एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो इन्होंने दोस्तों स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो कजाकिस्तान में दोस्तों जूनियर एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप आयोजित की गई थी, जिसमें पिथौरागढ़ से ब्रजेश टमटा ने भाग लिया। ठीक है, और ब्रजेश टमटा ने दोस्तों स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा कि कजाकिस्तान की राजधानी क्या है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे उत्तराखंड हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार जनरल नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये आपका वर्तमान का प्रश्न है, बिल्कुल अभी 4-5 दिन पहले दोस्तों उत्तराखंड के नए रजिस्ट्रार जनरल बनाए गए हैं, जिनका नाम है दोस्तों कह कसा खान। ठीक है, तो कह कसा खान को दोस्तों हाल ही में रजिस्ट्रार जनरल नियुक्त किया गया है 1 जुलाई को। ठीक है, इससे पहले दोस्तों आशीष नेथानी उत्तराखंड के रजिस्ट्रार जनरल थे। ठीक है, और ये दोस्तों 1 जुलाई को सेवानिवृत्त हुए हैं, और इनकी जगह दोस्तों कह कसा खान ने स्थान लिया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त गया था। तो दोस्तों ये पहले का प्रश्न है, तो आपको याद रखना है कि जो वर्तमान में आपकी हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश हैं ऋतु बहारी, तो उनसे पहले दोस्तों कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे मनोज कुमार तिवारी। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों हाल ही में उत्तराखंड गौरव सम्मान से जो सम्मानित किया गया, तो वह है माधुरी वड़तवाल, बसंती बिष्ट, सच्चिदानंद भारती और राजेंद्र बिष्ट को सम्मानित किया गया है। मतलब दोस्तों इस बार राज्य के 4 व्यक्तियों को उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्तों, जो माधुरी वड़तवाल हैं तो ये लोक कला से संबंधित हैं, बसंती बिष्ट भी दोस्तों, और सच्चिदानंद भारती जो हैं तो इन्होंने वन एवं जल संरक्षण के कार्य किए, जिसलिए दोस्तों इन्हें यह सम्मान दिया गया है। राजेंद्र बिष्ट दोस्तों जल संरक्षण एवं समाज विकास के लिए इन्हें यह सम्मान दिया गया है। ठीक है दोस्तों, जो उत्तराखंड गौरव सम्मान होता है इसमें 1 लाख रुपये की राशि दी जाती है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और इस बार दोस्तों ये जो पुरस्कार दिए गए थे, तो 9 नवंबर को उत्तराखंड में द्रौपदी मुर्मू का आगमन हुआ था। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा दोस्तों ये पुरस्कार दिए गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने अपने स्थापना दिवस पर महिला नीति लागू करने की घोषणा की है। तो दोस्तों महिला नीति को लागू करने की जो घोषणा की, तो वह उत्तराखंड राज्य ने की है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी द्वारा अपना 62वां स्थापना दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों उत्तराखंड में आयोजित किया गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, 24 अक्टूबर को आईटीबीपी स्थापना दिवस होता है। ठीक है, और 24 अक्टूबर 2023 को इसने अपना 62वां स्थापना दिवस मनाया था। और इस स्थापना दिवस का जो आयोजन किया गया तो वह देहरादून में किया गया था, याद रखिएगा, जिसमें दोस्तों मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह शामिल हुए थे। ठीक है, आईटीबीपी का मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है और वर्तमान में दोस्तों इसके महानिदेशक हैं अनीस दयाल सिंह। ठीक है, और इसका ध्येय वाक्य है दोस्तों शौर्य, दृढ़ता, कर्म और निष्ठा। ठीक है, तो जो ध्येय वाक्य होते हैं तो वह दोस्तों परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 23वां उत्तराखंड स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों 23वां उत्तराखंड स्थापना दिवस जो मनाया गया था तो वह 9 नवंबर 2023 को मनाया गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि मेडिकल कोर्स MBBS को हिंदी भाषा में लॉन्च करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बना है? तो MBBS कोर्स को दोस्तों हिंदी में भी किया जा सकता है और ऐसा जो किया तो वह दोस्तों उत्तराखंड ने यह है लॉन्च किया है। और उत्तराखंड दोस्तों MBBS कोर्स को हिंदी में लॉन्च करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। ठीक है, इससे पहले दोस्तों मध्य प्रदेश ने भी MBBS को हिंदी भाषा में लॉन्च किया था। ठीक है, और इसे दोस्तों 2024 से शुरू कर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि 37वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो उत्तराखंड ने दोस्तों कुल 23 पदक जीते हैं। इन 23 पदक में दोस्तों 3 गोल्ड मेडल, 6 सिल्वर मेडल और 14 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। ठीक है, और उत्तराखंड की दोस्तों 37वें राष्ट्रीय खेलों में 24वीं रैंक रही। सबसे ज़्यादा जो दोस्तों पुरस्कार जीते, पदक जीते, तो वह दोस्तों महाराष्ट्र ने जीते हैं 220 पदक। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो किया जाएगा तो वह आपके उत्तराखंड में प्रस्तावित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, यह आपके 2024 में भी हो सकते हैं और 2025 में, क्योंकि दोस्तों 2024 में जब यह आयोजित किए जाएंगे तो दोस्तों जो भारत के बड़े बड़े प्लेयर हैं तो वह दोस्तों पेरिस ओलंपिक में बिजी हैं, जिस कारण दोस्तों इन्हें 2025 में आयोजित करने की भी घोषणा की गई थी। ठीक है, तो दोस्तों जब भी यह आयोजित किए जाएंगे आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय एक्रो फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय एक्रो फेस्टिवल का आयोजन जो किया जाएगा तो वह आपका टिहरी में किया जाएगा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो टिहरी झील में 24 से 28 नवंबर 2023 को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय एक्रो फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया गया था। ठीक है, राज्य दोस्तों पहली बार इसका इस फेस्टिवल की मेजबानी कर रहा है, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों इस महोत्सव में साहसिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने दोस्तों 59 प्रश्न तक, ठीक है, पढ़ा है। ठीक है, ये सभी प्रश्न दोस्तों आपके परीक्षा में सीधे पूछे जा सकते हैं। आज का आपका होमवर्क है कि हाल ही में किसे उत्तराखंड हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार जनरल नियुक्त किया गया है, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। साथ में बताइएगा दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी, आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको दोस्तों उत्तराखंड परीक्षा माड़ी को चैप्टर वाइज पढ़ना है तो आप हमारे दूसरे चैनल स्टडी विद ओम सर पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप स्टडी विद ओम सर इस चैनल पर जाइएगा और यहां पर दोस्तों आपको परीक्षा वाली चैप्टर वाइज मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसकी लगभग 10 क्लासें हो चुकी हैं चैप्टर वाइज। दोस्तों आपको वह PDF भी प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, और दोस्तों बिल्कुल विस्तार पूर्वक दोस्तों आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम जो परीक्षा वाली है उसे वस्तुनिष्ठ प्रकार से पढ़ रहे हैं स्टडी विद ओम सर चैनल पर। तो आप प्लीज स्टडी विद ओम सर चैनल पर जाइएगा, वहां पर आपको पूरी परीक्षा वाली पढ़ाई जाएगी। ठीक है, और दोस्तों हमारे
इस चैनल को सपोर्ट करिएगा, ठीक है। आप सभी के सपोर्ट की ज़रूरत है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, ठीक है, वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताइए करेगा कि दोस्तों आपको क्लास कैसी लगती है।